पाइको विद्रोह स्मारकी बीजेडी जो आभिमुख्य सर्वप्रथमे मु निंदा करूछि। आपण जानिथिबे जे पाइको विद्रोह संपर्क में भारतर दुई जन पूर्वतन राष्ट्रपति दिवंगत श्रीयुक्त प्रणब मुखर्जी एवं रामनाथ कोविंद एवं वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ए विषय में अनेक वक्तव्य पूर्व रखिंट। आपण मानक सूची देवा चाहे जे 2017 मसीह प्रथम थर भारत प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी राजभवन रे पाइको विद्रोह समस्त बरपुत्र दायित्व मानू सम्मानित करते। मोर आज भी मन पड़ी जे मोर मां जिते बयस 85 वर्ष होता से बयस मो मां को प्रधानमंत्री बक्सी दायित्व हिसाब से सम्मानित करते से स्मृति आज भी मो मन लाखिक रही। पाइको विद्रोह स्मारकी पाई बरुणई ठारे गोटे जो स्मारकी हबार थिला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजेट रे व्ययबराद करथिले एवं परवर्ती अवस्था रे इंडियन ऑयल कंपनी 90 कोटी टंका से स्मारकी करिया पे एमओयू करथिला। पाइको विद्रोह संपर्क में प्रधानमंत्री दिग्दर्शन जोगुरु एनसीईआरटी पाठ्यक्रम एटा गोटे विषयवस्तु ही रही जानिथिबे जे धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रचेष्टा रे गोटे पाइको विद्रोह संपर्कित गोटे बॉक्सिंग कैरेक्टर को लेकिन चरित्र को लेकिन गोटे विद्रोही धारावाहिक सर्वभारतीय स्तर में गोटे धारावाहिक स्टार प्लस रे प्रसारित होता एवं से जो सीरियल टी की संकलन करना गोटे छोटिया फिल्म होता एवं दिल्ली रे से फिल्म टी देखा जाइथिला। एवं मोर सौभाग्य थिला जे मु सेतेबेले दिल्ली रे थिली एवं मु से फंक्शन को अटेंड करथिली एवं सेथिरे माननीय गृहमंत्री अमित शाह मध्ये सेथिरे अतिथि भी आसीथिले एवं से फंक्शन रे मध्ये बीजेडी रे अनेक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेटा को आसीथिले एवं सेठारे जो वक्तव्य रखिथिले अमित शाह भावुची जे बीजेडी रे एमपी माने सुनिथिबे निश्चित भावरे से कोभली भावरे कहिथिले जे से सप्तम श्रेणी पाठ पढ़ला बेले पाइको विद्रोह विषय में पढ़ी एवं बॉक्सिंग विषय में से अनेक तथ्य से दिन रखी जो कि आम आश्चर्य हो जाइलु से कथा आपण मैंने बीजेडी एमपी मानक पचे पारती से दिन अमित शाह पाइको विद्रोह विषय में कौन जानी और बॉक्सिंग विषय में कौन जानी से कथा से प्रकाश करतु कितु आज जो भाव बीजेडी जो राजनीतिक गुमास्ता माने एवं जो सरकारी सांत जो भाव जो प्रश्न करुछंती से कौन से अधिकार नहीं बॉक्सिंग दायित्व हिसाब से कहि 2014 पर जिते प्रथम थर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार केन्द्र में होता एवं प्रधानमंत्री भाव में नरेंद्र मोदी आसी केवल पाइको विद्रोह बरपुत्र नुहति बर ओडार अनेक अण आलोचित व्यक्तिशेष बरपुत्र मैंने जो मैं स्वाधीनतार भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण थी समस्त विषय माननीय केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रचेषा सम्मानित कर विषय सारा विश्व आज जानवाक पाई तेणु पाइको विद्रोह स्मारकी को न करने बीजेडी जो राजनीतिक गुमास्ता एवं सरकारी सांत जो चक्रांत जो षड्यंत्र कर तथ्य मु रखा चाहे
जानुरी 18, 2017 केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पाइक विद्रोह 200 वर्ष पूर्ति स्मारकी पत्र लिखी और तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली पत्र लिखि केन्द्रीय बजेट ए अर्थ व्यय बराद करने अनुरोध करते 2017 रु 2023 ओडिशा सरकार जमी देवाई 2019 मसीह सेत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आसी से शुभ देते कि 2019 आज 2023 हो गला जमी हस्तांतरण आज पर्यंत हो पारा ना केतेबेले वन विभाग गछ प्रसंग रे हस्तांतर करागला ना केतेबेले विद्युत इलेक्ट्रिक पोल कि भाव स्थानांतरित हम से विषय नहींकना आज पर्यंत जमी को हस्तांतर करागला ना देखो गोटे 19 मसीह 23 मसीह पर्यंत ट्रिवियल इश्यूज को लेकिना केत केत इलेक्ट्रिक ये करें जमी हस्तांतर करूना जहाँफल 2019 महामहिम राष्ट्रपति शुभ दे प्रकल्पटी आज पर्यंत काम आरंभ हो पारे बर्तमान आहरी अनेक तथ्य मुझे पक्षर देदेवी आज भी आम भावु जदि जमी को वन विभाग तुरंत भारत सरकार को हस्तांतर कर दिंती तेज निश्चित भाव में अति शीघ्र एक प्रकल्प कम आरंभ हो पार जदि न करे तेज जानवे पाइक संग्रामी स्मृति में राज्य सरकार कौन आंतरिकता ना तेणु तो काली जो प्रवक्ता माने ए विषय रे प्रश्न करते आज ही सरकार को कहवाक पड़ो जे तुरंत ये जमी को हस्तांतर करूँ हेले आमे निश्चित भाव से काम आरंभ कर जगन्नाथ से सद्बुद्धि दिंतु एवं केवल राजनीतिक प्रसंग न करूँ गोटे भल कम होगा पाइक मानी जदि तुम आंतरिकता अच्छी तेज आउ काल विलंब न करी तुरंत ये जमी को हस्तांतर करूँ हेले आमे भव्य पाइक स्मारकी से धन्यवाद आज्ञा देखु सब आप शुणिले आश्चर्य हे जे का प्रवक्त मान वक्तव्य शुणी आज आप देखु ओडिशा सरकार द्वारा प्रचलित पाठ्य पुस्तक कौटि भी उल्लेख करना जे पाइक विद्रोह देशर प्रथम स्वाधीनता संग्राम ओडिशा सरकार पाठ्यक्रम को देखु आप इतिहास बह को देखु आज भी ओडिशा सरकार प्रस्तुत नुंती कहवापी जे एक प्रथम स्वाधीनता संग्राम तेणु यदि निजे तुम पाठ्यक्रम तुम पिला कहून ए विषय में तेज खाली राजनीतिक इश्यू कर विषय वक्तव्य रखिले ठीक हम ना एवं ए विषय निश्चित भाव एथरक विधानसभा अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी तरफ ए प्रश्न निश्चित भाव आम विधानसभा पचार शुणु गोटे गछ स्थानांतरण हम 70-80 गछ स्थानांतर करने से एक हास्यास्पद कथा से टा भी मागिजे आपण भी जाणी रखा उचित जे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 55 लाख टंका प्रदान करती गछ को स्थानांतर करा हबो गोटे पाइक विद्रोह स्मारकी हबो से यदि गछर स्थानांतरण भी ओडिशा सरकार केन्द्र सरकार को पैसा मागिबो तबे आपण जानंतु केते आंतरिकता मानसिकता कौन आपण माने भी विचार करंतु नहीं जमी तो 2019 मुख्यमंत्री घोषणा करते जमी दे किंतु जो जो 50 एकर आम मागिलु संस्कृति विभाग भारत सरकार संस्कृति विभाग 50 एकर जमी मागिला किंतु 50 एकर जमी रे 9.5 एकर जमी ओडिशा सरकार दे किंतु आप जानते गोटे प्रकल्प करने पूर्व अनेक
ବନ ବିଭାଗର ଗଛ ଥିଲେ ତାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷର କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ନ ହେବ ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେବ? ଆଜି କି 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 2019 ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଏଇ ଗଛ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକକୁ ନେଇକିନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ପାଇକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଗୁମାସ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ସାଆନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ।